एक जूझा हम 20 रुपया के लेते हैं और जैसे 60 रुपया 65 रुपया किलो के हिसाब से बेचते हैं। मान ले 2 किलो के हो गए तो अगर 60 रुपये के हिसाब से तो 120 का हो गया। अच्छा। 2 किलो के अगर जो है ज्यादा वजन आ गया तो 130 का हो गया 2 किलो के बच्चे। अगर उससे कम है तो वही हिसाब से कम रेट लग जाता है। जो है 35 दिन रखते हैं, 35 दिन के बाद हम बच्चे को बेचने लगते हैं। सप्लाई बाहर कर देखे कि 35 दिन में थोड़े थोड़े बच्चे नहीं उठ रहे हैं तो हम गाड़ी मंगवा लेते हैं। वो डीलर जो ले जाता है बच्चे देता है वही डीलर आके गाड़ी से उठा ले जाता है। हमारी कमाई कम से कम तो एक महिला जो 3 महिला हैं तो 1200-1300 रुपया एक लोग का तो 35 दिन में मिल ही जाते हैं। दूसरों की मजदूरी तो हमारी मजदूरी सही है, घर के घर ही में रहते हैं, अपने बच्चे को देखभाल करते हैं, अपने घर में रहते हैं, सब चीज से हमको सुरक्षा रहती है। छाहे में भी रहते हैं, कहीं जाना आना नहीं है, इन बच्चों के साथ रहते हैं। बढ़ाना चाहते हैं दीदी, हम आगे बढ़ा के ले जाना चाहते हैं। ये हमारी एनसीपी हो जाए तो हम आगे बढ़ाएंगे। तो सिम में बच्चे रखेंगे जो कि छोटे बच्चे हो जाए, जो छोटे रहा वो हमारे परे रहा, जो बड़े हो जाए उनको सप्लाई जाती रहे, जो कि हमारा फार्म खाली